नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा घंटी को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ज्योतिष में अमावस्या का बहुत महत्व है। कहते हैं अमावस्या पर कुछ उपायों को करके आप पितृ दोष को शांत कर सकते हैं। यही नहीं, अमावस्या पर कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनसे आपके घर में आ रही बाधाएँ दूर होती हैं, आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य और राहु की युति है तो पितृ दोष बनता है। कुंडली में जब राहु सूर्य साथ हो या राहु पंचम भाव में हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु के नक्षत्र में हो तो पितृ दोष बनता है। इस बार अमावस्या 26 अप्रैल यानी कि कल है। आज हम आपको कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं। अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ पर दूध, थोड़ा गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल और जल जरूर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन घर की सफाई करें और सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाएं। घर से दरिद्रता दूर होगी तथा आर्थिक स्थिति सुधरेगी। प्रत्येक अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को तर्पण करना चाहिए। इस दिन मंदिर में पीला झंडा दें और इसे मंदिर में लगवा लें। इससे आपके काम में आने वाली बाधाएं दूर होगी। इस दिन आप चावल और दूध की खीर बनाएं और गरीबों में बांट दीजिए। इससे आपके पितर खुश होते हैं तथा आपके सभी काम बनेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।